नमस्कार आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में, और इसमें मैं कुछ मंजिल लेके आया हूँ आपके लिए जो आप ट्राई कर सकते हैं। 14 जनवरी के टाइम अगर आपके आस पास मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये ARK का C28, C28 किसी भी कारीगर के लिए आप लेंगे तो अगर थोड़ा पतला है तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि कांटेदार डोर लगाते हैं, C28 हमेशा कांटेदार बनता है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ARK का सस्ता भी मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है C28, और आप को अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये उड़ीसा के मेकर, देखिए नाम उतना है नहीं उड़ीसा के मेकर्स का, काम बहुत अच्छा है पर आप काफ़ी टक्कर दे सकते हैं बाकी मेकर्स को। ये 80 या 57 पे लगा हुआ है और काफ़ी कांटेदार है, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, उड़ीसा के मेकर है। खैर अभी तो वो काफ़ी बिजी चल रहे होंगे तो मंजा बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो आप लोग अभी 14 को तो नहीं यूज़ कर पाओगे। और ये है इरफान भाई का, ये भी काफ़ी बेहतरीन डोर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मंजा जो है पहले किसी ने ट्राई किए हुए हैं तो उन्होंने, उनका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये भी लच्छी मंजा है, ये थोड़ा कॉस्टली है, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं जिनका बजट थोड़ा सही है। और ये सभी मेकर्स के आपने शायद नाम थोड़े कम सुने होंगे, पर इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितनी कांटेदार डोर होगी उतना अच्छा रहेगा जाड़ों के टाइम पे आपके लिए, विंटर में और रेनी सीजन में जितनी आप शार्प मंजा लोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो कुछ जो मैंने आपको अभी तक मेकर दिखाए शायद आपने इनका नाम ना सुना हो या आपने यूज़ नहीं किया हो, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, चाहे मार्केट में ना मिले आप लोग को ये, मैं आपको जहाँ अगर मुझे मिलता है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आगे जाके डालूँगा, पूरी वीडियो बनाऊँगा जब हर मंजे की अलग अलग, तो आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। बहुत बेहतरीन मंजे है सर। और YKC का नाम आप लोगों ने सुना ही है, तो ये उनका सबसे टॉप वाला है 11926, C28 पे लगा हुआ। मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ उतना, पर काफ़ी लोगों को ये काफ़ी पसंद आया, इसकी डिमांड काफ़ी थी, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं C28 पे लगा हुआ। और ये देखिए यूनिस इकबाल, ये तो आप किसी भी सीज़न में लगाएं सब में अच्छा रिजल्ट देता है, यूनिस इकबाल जी का, YKC का और अदनान अली जी का, तो आप किसी भी सीज़न में मंगा सकते हैं, कभी भी लड़ा सकते हैं। और मंजे को आपको 3 महीने रखना है कम से कम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 महीने से पहले अगर लड़ाते हैं और मंजा रिजल्ट नहीं देता वो मंजा ख़राब नहीं होगा, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद लड़ाना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और मंजे की क्वालिटी भी थोड़ी निखर के आएगी सामने। और अभी दिखा ये रहा 11920 YKC का, छत से लड़ाने के लिए सबसे बेस्ट मंजा यही है, ना उनका C28 बेहतर है ना उनका 11926 बेहतर है, छत से लड़ाने के लिए ये सही है, क्योंकि इसका रेट भी कम है, 11926 का रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप 11920 ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी किसी को सजेस्ट किया था तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था पर यह। और ये वाला देखिए आप इदरीस का 9-5, इदरीस जी का सबसे कांटेदार डोर रहती है छत से लड़ाने के लिए, अगर आप खींच के दीवान फैन है, पर थोड़ा इन्होंने कॉस्टली कर लिया अपना मंजा, अगर आप खींच से लड़ाना चाहते हैं इदरीस का मंजा आप ट्राई कर सकते हैं जिसका बजट अच्छा है, क्योंकि इनके प्राइस बढ़ चुके हैं, वरना इनका जो मंजे की जो जितनी कांटेदार डोर थी काफ़ी रहती है। और ये थोड़ी मशीन बनवाई थी मैंने बेंगलोर के सर से, कह के एक दर्शन सर है, तो ये काम इसलिए मैंने बनवाई क्योंकि इसमें क्या होता है मेरी चरखियाँ काफ़ी टूट रही थी कुरियर में, मेकर लोग सही से पैकिंग करके देते नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगवाई थी, तो काफ़ी इससे अब थोड़ा वो रहता है कि मंजा बर्बाद नहीं होता मेरा, बहुत वेस्ट हो रहा था मंजा और चरखियाँ टूट रही थी, तो काफ़ी इससे अब मेरे को काफ़ी थोड़ा वो मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि मेरा मंजा बर्बाद नहीं होता, मैं दूसरी चरखी में भर सकता हूँ। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे लेवल की है, और ये इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी है, पर आप लोग अगर चाहिए होगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दूँगा, आप लोग बनवा सकते हैं इसको, देख के सस्ते में बन जाएगा अगर तो आपके वहाँ, तो और अच्छा है। और ये देखिए ये YKS है, ये उनके साथ पहले काम करते थे किस YKC के साथ, तो ये उनका मंजा है, अब ये इनका मंजा भी बहुत शार्प रहता है, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं।
अब मुझे पता नहीं आपको जितने मैंने अभी मेकर बताए हैं, दिखाई है वीडियो, उनके नाम आपने सुने या नहीं सुने, पर इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। अब कुछ मंजे मैं आपको दिखाता हूँ जो मतलब मेरा फेवरेट है, जो मैं हमेशा लड़ाना पसंद करता हूँ जिनसे, वो ये रहे नाम। सरताज जी का 007 SP999, रियासत भारती जी का 006, अदनान अली जी का 24 कैरेट, सूरमा डॉन 009, एक फास्ट एंड फ्यूरियस भी उनका मुझे अच्छा लगता है। अब बबलू सिकंदर का 7 स्टार, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। AMR ये भी बहुत बेहतरीन है, कोई भी डोल ले लो आप उनकी, बहुत अच्छी रहती है। और चांदमिया, चांदमिया के भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बेहतरीन डोल लगाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको बिंदी मामा की सद्दी अगर देख लेनी है तो आप ले सकते हैं ये भी। ये देखिए काफ़ी बेहतर रहती है, मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ इसकी, मैं नहीं दे रहा हूँ आपको ये सद्दी, आप कहीं और से जैसे किसी से ले सकते हो, इसलिए मैंने डाला है कि बहुत बेहतरीन सद्दी लगाते हैं। अगर जो कलेक्शन का फ़ैन है, मतलब कलेक्शन जिसको पसंद है लगाना या बनाना किसी भी मेकर का, तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मतलब नंबर वन मेकर कहते हैं इनको, सद्दी मेकर, तो आप लोग अपने कलेक्शन में रख सकते हैं इसे। और मैंने आपको अभी तारीफ़ की थी चांद मियाँ की, तो सानू चांद में जो चांद है आपको पता ही होगा, वो चांद मियाँ ही है, और सानू चांद का मंजा भी काफ़ी बेहतर रहता है। तो मेरे को तो काफ़ी शार्प मंजा लगता है इनका, अच्छा से लड़ाने के लिए, खींच से लड़ाने के लिए, क्योंकि सबसे बेहतर रहता है, जितनी कांटेदार डोर होगी उतना खींच मारने में मज़ा आता है। और चाइनीज़ मंजे को भी आराम से काटता है, और कन्ने भी नहीं फंसते, जो कहते हैं ना काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है ढील में लड़ाते हैं, पर कन्ने फांस लेता है सामने वाला, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी अगर मंजा आपका कांटेदार होगा तो। वो टच करते ही थोड़ी हवा अच्छी रही तो टच करते ही नीचे से ऊपर को खींच मारोगे आप कन्नों के साइड, आराम से काटेगा, कैसे भी पेच लड़ा हो आप। और ये दोनों जो हैं सब लेना पसंद करते हैं, जो वो है यूनिसिबल और 11926 आप आई किसी का, ये भी ले सकते हैं आप हीरा भाई से करनाल, उनके पास अवेलेबल होगा वो। और ये आपका फरीद अहमद जी का लड़ाकू जेट एंड ब्लैक जेट, ये भी काफ़ी बेहतर डोर है। एनआरके का भी आप ब्लैक कमांडो ले सकते हैं, जेपीसी में आता है, 123 में आता है, जेपीसी वाला थोड़ा महंगा है, 123 वाला उनका ठीक रेट में मिल जाएगा आपको। और AMR जैसे मैंने आपको तारीफ़ की थी, AMR बहुत बेहतरीन डोर है, कांटेदार है एकदम, और इतना महंगा भी नहीं है, अच्छी डोर है, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। और वैसे भी ये बल्क में देते हैं, थोड़ी बहुत यही दिक्कत होती है, वरना इनके मंजे तो बहुत बेहतर है। और बबलू सिकंदर, इनका तो मैं फ़ैन हूँ, कोई झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, बहुत बेहतर डोर लगाते हैं, कांटेदार रहती है, वो भी 123 कांटेदार बनाते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, C28 नहीं 123 ही इनकी, इतनी शार्प रहता है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका मंजा। और ये यूनिसेक बाल जी का फिर से, ये थोड़ी दूसरी चरखी मंगवाई थी मैंने, अब मंजे की क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये थोड़ा वो पहला वाला जो देखा आपने वो था स्मूथ में, ये थोड़ा कांटेदार है, ये मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए थोड़ा शार्प बनवाना, क्योंकि पिछले बार उन्होंने स्मूथ दिया था तो उतना मतलब अब विंटर में काम आता नहीं है, इसलिए मैंने काढ़ेदार बनवाई थी। ये भी बहुत अच्छी डोर है, और जिसके पास अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। एक डोर और है डॉन 009, ये भी अदनान अली जी का बहुत बेहतरीन डोर है। अब तो पता नहीं मुझे मेकर क्या कर रहे हैं कि किसी को अच्छी क्वालिटी मिलती है किसी को नहीं मिलती है, तो शायद फेमस ज़्यादा होने के कारण या टाइम नहीं मिल पाता होगा, जल्दीबाजी का मंजा लगता है, मतलब बनाते हैं जल्दबाजी में। तो डॉन 009 भी बहुत अच्छी डोर है, मुझे अभी तक जितने मंजे मिले अच्छे मिले हैं अदनान अली जी के, पर काफ़ी लोगों की शिकायत है कि उनके मंजे अच्छे नहीं होते, तो पर मुझे काफ़ी बेहतर लगा इसका रिज़ल्ट। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कुछ और मेकर्स जो आप ले सकते हैं, जो 2000 के कम आपको रेट पे भी मिल जाएगा। और अदनान अली जी का एक और है, देखिए सूरमा फास्ट एंड फ्यूरियस, और हंटर आया नया, आप वो ले सकते हैं, उसका रेट भी सही है, और काफ़ी है उनके ऐसी जो सही रेट में मिल जाते हैं।
और ये रहा इनका 24 कैरेट। इसकी क्वालिटी काफ़ी अलग है, C28 पे लगा ये, इसकी क्वालिटी अलग है। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जो येलो कलर का था वो जयपुरी चरखी में, उसकी क्वालिटी बहुत ही फ़र्क है। अब कई लोगों को पसंद नहीं आता पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अलग है। और ये रहा रियासत भारती जी का डबल लच्छी, इसका तो मैं फ़ैन हूँ। और बस दिक्कत यही आई थी कि चरखी की उनको शायद पैकिंग करने में उनका नाम नहीं रखूँगा क्योंकि उनको पैकिंग करना आता नहीं है उतने अच्छे से। कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इनका मंजा बहुत अच्छा था। सरताज जी के चरखी में भी ये दिक्कत हुई थी, चरखी टूटी आई थी, पर कोई दिक्कत नहीं, मंजा बहुत अच्छा है इनका। C28 थोड़ा सबका मतलब मेरे को रिव्यू आया था कि अच्छा नहीं है और थोड़ा कॉस्टली भी है इनका। C28 कॉस्टली है, स्टिल इनका रिव्यू अच्छा नहीं था, पर इनका 1-2-3 का रिजल्ट और रिव्यू काफ़ी अच्छा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। वो SP99 तो इनका बहुत बेहतरीन लगा मुझे। और ये रहे जो 2000 के कम आपको रेट में मिल सकते हैं। अभी और भी मेकर हैं इसमें जो मेरे को याद नहीं आया या मैंने यूज़ नहीं किया, पर आप ये इन सब के मंजे यूज़ कर सकते हैं। इनका कहीं ना कहीं 2000 तक का आपको मिल जाएगा मंजा या उससे कम का, आप लोग देख सकते हैं ना, और इनको पक्का मिल सकता है। और आदिल गुड्डू इसमें सबसे सही मुझे लगते हैं मेकर, ज़्यादातर उनका मंजा काफ़ी बेहतर रहता है। और बशीर बेग जी का भी मंजा 7 स्टार है, वो थोड़ा कॉस्टली पर अच्छा है, कॉस्टली नहीं मतलब 2000 से ऊपर का है पर अच्छा है। और भाई AMR काफ़ी बेहतर रीन मतलब बेहतरीन वो है मेकर, ये इनका लच्छी वाला है, आप ले सकते हैं। AMR का लच्छी सबसे सस्ता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आप लोग ले सकते हैं उसे। अली मिर्जा ये भी काफ़ी अच्छे मेकर हैं, ARB भी अच्छे मेकर हैं। देखिए जितने मेकर हैं सब कांटेदार लगाते हैं, सिर्फ अजीम खान को छोड़कर, अगर हो लगाते होंगे मुझे नहीं पता, मेरे को इनका हमेशा स्मूथ ही मिला। फरमूद बेग कांटेदार रहती डोर, और ये बशीर बेग जी हैं इनकी डोर भी सही रहती है, अच्छे रहे लड़ाने के लिए। हुसैन अली इनकी भी कांटेदार है। मेहताब भारती इनकी थोड़ी स्मूथ रहती है, अब मेरे को तो स्मूथ ही मिली अभी तक। और ये रहा अदनान अली जी का डबल लच्छी, तिरंगा में लगा हुआ था। और ये है रियासत भारती जी का, ये डबल अच्छी नहीं है, ये इनका नॉर्मल वाला है। सानू चांद और ऐसी काफ़ी मेरे फहीम मियाँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद।